बिहार में जंगल राज है, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया में खबर चल रहा है कि दिन प्रतिदिन बिहार में जो अपराध है उसका ग्राफ बढ़ते जा रहा है। आखिर में ऐसा खबर क्यों चलता है? क्योंकि वे जो मीडिया है उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के दफ्तर से सीधा पैसा जाता है कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है और उसी आधार पर वे लोग काम करते हैं। आपको समझना होगा कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अनुसार ये सारा काम हो रहा है, लेकिन वहां पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है नरेंद्र मोदी का, वहां पे ये सारी चीजें दिखाया जा रहा है। लेकिन दूसरे तरफ में अगर आप देखिएगा तो असली राम भक्त कौन है ये आपको सोचना होगा। बिहार के समस्तीपुर जिला में राम जानकी के नाम का एक बहुत भव्य अस्पताल का निर्माण किया गया है, जहां पे 500 बेड लगाया गया है। उस अस्पताल में 500 कैपेसिटी, 500 लोगों को एक साथ में इलाज करने की है। वहां पे 100 बच्चों को पढ़ने की सुविधा दी गई है। उस अस्पताल का जो बजट है वो 600 करोड़ का है, 600 करोड़ का। जरा समझिए कि एक अस्पताल को बनाने में 600 करोड़ रुपया बिहार सरकार लगा रही है और उस अस्पताल को और उस अस्पताल वाले राज्य को कहा जाता है कि यहाँ पर जंगल राज है। तो ये समझने की बात है कि आखिर में ऐसे खबरों को जो मोदी मीडिया है, जो मोदी जी के पोषित पत्रकार है, वे लोग नहीं दिखाते हैं। आखिर में उन्हें क्यों नहीं दिखाना होता है? क्योंकि उन्हें प्रेशर मिलता है, ऊपर से जजमेंट मिलता है, उनको लिख करके स्क्रिप्ट आता है, उनके लिए एकदम टेलीप्रॉम्प्टर पे ये सब सजा दी जाती है कि आपको ये सब खबरें नहीं दिखानी है। अगर आप ये खबर दिखाइएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके दफ्तर में छापेमारी हो जाएगा, जैसे न्यूज क्लिक के दफ्तर में छापेमारी हो गया, उस तरीके से आपके दफ्तर में भी छापेमारी हो सकता है। जैसे विपक्ष के नेताओं के घर में छापेमारी हो जाता है, ईडी का समन भेज दिया जाता है, ठीक वैसे भी आपके घरों में छापेमारी हो जाएगा, आपके भी दफ्तर में छापेमारी हो जाएगा, इसलिए वे लोग बच रहे हैं। कितना बड़ा खबर है इस चीज को समझना होगा कि 600 करोड़ से बना हुआ अस्पताल है और वो भी राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। उस कॉलेज का नाम, उस अस्पताल का नाम राम श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जहां पर इतना सब कुछ है। वहां पे जो मरीज लोग आएंगे उनके परिवार के लोगों के रहने के लिए प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि बिहार में इतना बड़ा काम हो रहा है, वो भी कब हो रहा है? जब 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होगा उसके ठीक एक दिन पहले हो रहा है। लेकिन मीडिया में कहीं भी, बिहार के किसी भी मीडिया में, जो बड़ी बड़ी मीडिया है, उनके दफ्तरों में ये खबर नहीं चल रही है, उनके जो टेलीप्रॉम्प्टर है उन पर ये खबरें कभी भी नहीं दौड़ाई जा रही है। आखिर में क्यों नहीं हो रहा है ये सब कुछ? कैसे सब कुछ एकाएक से खत्म होते जा रहा है और ये खत्म कौन करा रहा है? आपको समझना होगा कि आपका मीडिया कौन है और आपके हक के लिए बातें कौन कर रहा है। ये अगर नहीं अभी समझे लोग तो विपक्ष के लोग के पास में कोई एजेंडा नहीं रहेगा। 2024 के लोकसभा के चुनाव को जीतना कैसे मुश्किल होते जा रहा है जो विपक्ष के लोग है, ये आप देख लीजिए। इनके पास में कोई भी एजेंडा नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी अभी भारत न्याय यात्रा पर निकले हुए है, अगर वो सीट शेयरिंग का काम कर लेते तो बहुत अच्छा से हो जाता। बिहार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक है या नहीं है, ये आप जाकर के उन मीडिया में देख लीजिए जिन मीडिया को मोदी जी पैसा देते हैं। वो खूब जाकर के खबर चला रहे हैं कि बिहार की सरकार आधे घंटे में गिर जाएगी, एक घंटे में गिर जाएगी, दो घंटे में गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेशर मिलता है ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कि आपको इस तरीके का खबर चलाना है, और उसके बाद वे लोग उस तरीके से खबर चलाते हैं और उसके बाद में ये सब कुछ तय हो जाता है। तो आप जरा बताइए कि आपका पत्रकार कौन है और आपके हक के लिए बातें कौन कर रहा है? सच्चाई से रूबरू कौन करा रहा है और असली में राम कहां बसते हैं? जहां पे 500 बेड पर जो 500 बेड जो होगा जिस अस्पताल में, वहां कम से कम 5 लोगों की जान तो नहीं जाएगी ना, वहां पे 500 लोगों का जीवन तो बचेगा ना। कहा जाता है कि असली जो भगवान होते हैं वो अस्पतालों में निवास करते हैं, क्योंकि अस्पतालों में लोगों की जिंदगी और मौत से जो लोग जूझते हैं वहां पे भगवान के रूप में डॉक्टर आते हैं और वे लोग बचाते हैं। तो बिहार में ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है और इस सारे चीजों को बिहार सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग तो बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। आपने देखा होगा कि पटना के गांधी मैदान में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। बिहार में ऐतिहासिक काम हुआ है, पूरे देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है
जिसने इस तरीके से काम किया होगा कि एक दिनों में 1-1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया होगा, और बिहार में इतना बड़ा ऐतिहासिक काम हो गया, लेकिन मीडिया ने इसको खबर नहीं दिखाया। मीडिया को जो ऊपर से आदेश मिला कि जाइएगा पटना के गांधी मैदान में, तो आप जाकर के पूछिएगा कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप जाकर के पूछिएगा कि बिहार के राज्यपाल कौन है, आप जाकर के पूछिएगा कि देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, आप जाकर के पूछिएगा कि उप मुख्यमंत्री कौन है बिहार का, ये सारा सवाल उनको रटा रटाया ऊपर से मिल गया और आकर के वो लोगों से पूछ रहे थे, यानी वो टेस्ट ले रहे थे। जरा समझिए, जो आदमी बीएड किया, जो आदमी ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, बीपीएससी का एग्जाम दिया, उसके बाद में उसका नौकरी हो रहा है, तो आप उनसे सवाल कर रहे हैं। और जो आदमी 10वां पास नहीं कर रहा है, पत्रकार बन जा रहा है, बाबूजी दादा अगर उनके पत्रकार रहे हैं, उनका लॉबी अच्छा है और वो एक खास समाज से आते हैं, पत्रकार बन जा रहे हैं, तो उनको रटा रटा सवाल मिल जा रहा है, और वो आदमी जाकर के सवाल करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भी परिवार में कई ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा, वो भी मास्टर अगर बने होंगे तो वो उनसे सवाल नहीं करेंगे, वो खास टारगेटेड लोगों को सवाल करते हैं, बिहार सरकार को कैसे फंसाना है, ये सारा चीज हो रहा है मीडिया में और आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। आपको तय करना होगा कि आपकी मीडिया कौन है और आपके हक के लिए बातें कौन कर रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो अस्पतालों में काम हो रहा है, जिस तरीके से श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो अस्पतालों में सुविधा बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के, वो दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।